पिछले कुछ दिनों से जो दिल्ली के पिछले 2 दिन से हालात शांति व्यवस्था के खराब होते जा रहे हैं दिल्ली के कुछ इलाकों में, खासकर पूर्वी दिल्ली में, वो बहुत ही हमारे लिए चिंता का विषय है, सभी दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विषय है। और मेरी दिल्ली के सभी लोगों से अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें, जिसके जो भी मामलात हैं, जिसके जो भी मसले हैं, सभी मसले शांतिपूर्वक बैठ के समाधान हो सकते हैं। हिंसा से किसी का कोई समाधान नहीं निकलने वाला, ना इस तरफ का समाधान निकलेगा ना उस तरफ का समाधान निकलेगा। तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। एक पुलिस वाले की, एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं, इसके अलावा कुछ और सिविलियंस की मौत हुई है। ये भी सब लोग जिनकी भी मौत हुई है, पुलिस वाले भी और जो सिविलियंस थे, वो सब हमें हमारे ही थे, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही दिल्ली के लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। तो जैसे जैसे अगर हिंसा बढ़ती है तो कल को किसी का भी नंबर आ सकता है, वो भी किसी ना किसी परिवार के सदस्य थे जिन लोगों की मौत हुई है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। जिन लोगों के घर जल गए वो अच्छी स्थिति नहीं है, जिन लोगों की दुकानें लूट गई वो अच्छी स्थिति नहीं है, जिन लोगों की गाड़ियां मोटरसाइकिल चली गई जल गई वो अच्छी स्थिति नहीं है। और इसमें सभी लोगों का नुकसान हो रहा है, कल को आज किसी का हो रहा है, कल को किसी और का होगा। तो अभी अभी मैंने एक मीटिंग ली थी जिसमें जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनके सभी विधायकों को बुलाया था, चाहे बीजेपी के विधायक हों चाहे हमारी पार्टी के हों, दोनों के विधायक आए थे और सभी सीनियर ऑफिसर्स थे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के। और जो उसमें निकल के आया वो ये कि एक तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज को सबको आदेश दिया गया है कि वो मुस्तैदी से काम करें, सभी हॉस्पिटल तैयार रहें, अगर जो भी इंजर्ड लोग आते हैं उनको तुरंत अच्छे से अच्छी उनको इलाज मिलना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट वालों को आदेश दिया गया है कि उनको एक दिक्कत ही आ रही है जो अफेक्टेड एरिया है वहां पे पहुंचने में, तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो लोग वहां पे समय पे पहुंचे। सभी विधायकों का एक जो कॉमन शिकायत थी वो ये कि पुलिस का संख्या बल बहुत कम है, पुलिस की संख्या बहुत कम है और पुलिस को नीचे नीचे पुलिस को एक्शन लेने की पावर्स नहीं है। जो लोकल लेवल पे विधायकों ने भी पुलिस से बात की तो वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जब तक उनको ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे कि अगर उनको अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको लाठीचार्ज करने की, हवाई फायर करने की, उनको जब तक ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। ये जरूरत है। जो अभी मैं अमित शाह जी से मिलने के लिए जा रहा हूं 12 बजे, तो उनसे भी गृहमंत्री जी से ये इसकी जिक्र करूंगा। इसके अलावा बॉर्डर के जो हमारे एरियाज हैं वहां के विधायकों ने कहा कि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उन बॉर्डर्स को सील करने की जरूरत है और प्रिवेंटिव अरेस्ट करने की जरूरत है जो जो लोग पे शक हो। मैंने अभी डायरेक्शंस दिए हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं और एसडीएम्स हैं उनको कि वो मुनादी करें और पीस मार्च निकालें लोकल पुलिस के साथ मिलके और लोगों को शांत और शांति बनाए रखने की अपील करें। लोकल लेवल पे पीस कमिटी मीटिंग्स करें सभी धर्म के लोगों को बुला के और उसमें एमएलए भी मौजूद हों, और लोकल जो जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पे मंदिरों से और मस्जिदों से सभी को शांति बनाए रखने की अपील की जाए। तो चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो पुलिस कमिश्नर से भी बात करेंगे और इस पे पुलिस संख्या बढ़ाने के लिए और लोकल पुलिस वालों को पावर देने के लिए उनसे अपील करेंगे। मैं अभी आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझे दौड़ना है, 12 बजे मेरी मीटिंग है अमित शाह जी से, फिर वहीं मिलेंगे आपको एमएचए के बाद। थैंक यू।